नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोपाल क्लासेस में। और आज की वीडियो हम लोग समझेंगे नाउन नंबर। देखा जाए तो पूरा नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइडेड है। हम जो भी कुछ सीखते हैं नाउन के बारे में, हालांकि उसके चेहरे देखते हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसे फंक्शन करता है, वहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, सिंगुलर होगा प्लूरल होगा क्या होगा, लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल नाउन केवल दो टाइप की होती हैं, तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। मीन्स कह सकते हैं कि जो आपके फाइव टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं, पांच तरीके के जो नाउन होते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, ये सारे सारे नाउन कहलाते हैं आपके काउंटेबल नाउन। इन नाउन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। और दूसरा आपका होता है मटेरियल नाउन और एक और होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दो नाउन ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो पूरे नाउन जो है या तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। एरर जो आती है वो इन्हीं की आती है, या तो इन शब्दों के साथ में वर्ब गलत देंगे, या फिर ये शब्द खुद गलत देंगे, या तो ये प्लूरल बनेगा नहीं, या प्लूरल देंगे तो वर्ब कुछ अलग देंगे। तो कहाँ पर क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके चेहरे कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, इन सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि एक लोगों का कमेंट आया था तो उन्होंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो जो जिसमें एजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया है, तो वो सिर्फ बेसिक नॉलेज थी। एक अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मैं हर एक टॉपिक पर बनाऊंगा, वो चीज बिल्कुल क्लियर करूंगा वही टॉपिक उसी वीडियो में सिंगल में। फिलहाल मैं सारे वीडियो ये आपको समझाना चाहते हैं कि दुनिया में इंग्लिश के चेहरे इतने सारे होते हैं और ये ऐसे काम करते हैं। अब रियल में ये काम कैसे करते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं नाउन नंबर। तो देखिए, नाउन नंबर जो है वो आपके तीन टाइप के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर का मतलब एक और काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर भी एक भी है उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं वो सारे सारे होते हैं हमारे सिंगुलर, ठीक है। और अगर काउंटेबल है और नंबर में वो एक है तो भी आपका वो कहलाएगा सिंगुलर, क्योंकि वो एक है। अगर यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन ज्यादा हो जाए संख्या में, नंबर में ज्यादा हो जाए, तो इनको बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल केवल और केवल काउंटेबल नाउन का बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा मैन, तो कितना है, एक, एक आदमी है जिसको काउंट भी कर सकते हो। तो देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एस सी एन से भी डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर भी एस सी एन लिखा हो उसका मतलब समझ लेना सिंगुलर भी है वो, यानी कि एक है, काउंटेबल गिनने लायक भी, वो हमारा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं, जैसे कि एम ई एन, अब ये आदमी ज्यादा हो गए, तो उसको बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, पी सी एन। और सिंगुलर का ही प्लूरल बनता है, किसका, काउंटेबल का ही प्लूरल बनता है। यहां पर एक बॉय है, यहां पर ज्यादा बॉयज है, यहां पर पेंसिल एक है, यहां पर पेंसिल ज्यादा है, सेलफोन यहां पर एक है, यहां पर सेलफोन ज्यादा है, यहां पर कार एक ले लीजिए और यहां पर कार्स कर लीजिए। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मैंने बोला कार, तो वो कार को मैं एक एक करके काउंट कर सकता हूं अगर, और उसका काउंट करने का तरीका वही है, बाद में ध्यान समझना। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं और उसको हम लोग रियल में काउंट कर सकते हैं और उसका तरीका भी काउंटिंग का ही है, तो वो आपका कहलाता है काउंटेबल। अगर मैं इसी जगह जैसे मैं बोलूं न्यूज, या जैसे मैंने लिया पोएट्री, पोएट्री मतलब साहित्य, साहित्य का मतलब क्या क्या उसके अंदर होता है, उसके अंदर प्रोज भी होगा, पोएट्री भी होगा, सप्लीमेंट्री भी होगा, शॉर्ट स्टोरी भी होंगे, बैलेड भी होगा, सोनेट भी होगा, लिरिक भी होगा, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर चीजें हैं। तो अब मैं कहूँ कि इसको काउंट करके दिखाओ, तो अब इसके, मैंने बोला पोएट्री, तो अब एक पोएट्री दो पोएट्री नहीं बोलोगे, आप पोएम्स बोल सकते हो, बैलेड बोल सकते हो, सोनेट बोल सकते हो। तो जब भी मैं कोई चीज बोलूं आप उसको डायरेक्ट काउंट ना कर पाओ, तो वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं यहां पे लेता हूं, जैसे कि ऑयल ले लिया, अब मैंने कहा ऑयल को काउंट करके दिखाओ, तो आप कहोगे कि एक किलो ऑयल, वन केजी ऑयल, वन स्पून ऑयल, तो आपने चम्मच को गिना, बॉटल को गिना, केजी को गिना, बांट को गिना, वेट को गिना, तो आप वेट को, स्पून को, बॉटल्स को गिन रहे हो, ना कि ऑयल को। अब मैंने बोला राइस, चावल, अब चावल कहोगे कि हम इसके दाने तो गिन सकते हैं। अब जरा ये बताइए कि दाने करके ही मार्केट में क्या ये मिलता है, किसी भी चीज को मैं बोलूं और वो रियल में वैसा ही मिले। मैंने कहा पेंसिल है, तो एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल करके ही मिलती हैं, तो वो आपका कहलाता है काउंटेबल। अब मैंने कहा राइस, तो
तो राय साहब किसी दुकान पर जाकर ये तो कहोगे ना, भैया मुझे चार दाने चावल के दे दो। नहीं, आप कहते एक किलो, दो किलो, एक पैकेट, दो चम्मच चावल, एक कटोरी भर के चावल। तो कटोरी है, चम्मच है, पैकेट है, केजी है, आप इनको गिन रहे हो, ना कि राइस को। उसमें जितना आएगा वो मुझे चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज को काउंट ना कर सके, या तो वो किलो में, वजन में, लीटर में, चम्मच में, कुछ ऐसे करके मिले तो वो अपना कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऐसा कोई भी नाउन जो काउंटेबल है और नंबर में एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। इतनी बात याद कर लीजिए, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो अगर मैं ये कहूं कि सिंगुलर नंबर का है कोई अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना सिंगुलर होता है। जैसे पोएट्री है, मनी है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन, अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। न्यूज है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, ये सब आपको थोड़ी फील हो रहे हैं कि ज्वेलरी तो अनकाउंटेबल नाउन है। नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो है उनके साथ में वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर। अगर मैं इसी काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दूं, तो इन सभी नाउन्स के साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये आपकी रूलिंग हो गई। अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में डिफरेंस करना। कोई चीज अगर काउंटेबल तो प्लूरल बन जाएगी, कोई चीज अगर अनकाउंटेबल है तो वो डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनेगी। कैसे? जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे मैं बोला डे, तो अब डे को आप सोचोगे तो कहोगे हाँ ये तो काउंटेबल है। टैक्सी, टैक्सी भी काउंटेबल है। लेडी, महिलाओं को भी गिन सकते हैं। माउंटेन, पहाड़ियों को भी गिन सकते हैं। मनी, ये टेंशन वाला है, ये टेंशन देगा। सीनरी, होमवर्क, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, सीन, गार्बेज, लव, हेट, टू लव या लविंग या कोई भी दुनिया की वर्ब। अब समझ, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है और जिनको सर्कल में किया उनके बारे में समझते हैं। मैं बोलूं कि मेरे पास मनी है, तो आप सोचो कि मनी का मतलब रुपया। देखिए, मनी का मतलब रुपये नहीं होता, मनी का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। मनी का मतलब आपके हाथ में जो सेलफोन है वो भी एक मनी की कैटेगरी में आता है। मनी का मतलब होता है धन, धन का मतलब सब कुछ जो हमारे पास है, इवन हमारी नॉलेज भी धन की कैटेगरी में आती है। जब मैं बोलूं मेरे पास मनी है, मेरे पास धन है, तो लोग पूछेंगे कि देखो कॉमन सेंस आज के टाइम पे तो रुपये ही होता है, लेकिन इसका मतलब सोना चांदी भी तो होता है ना, इसका मतलब पीतल भी तो होता है ना, इसकी मतलब सब कुछ है जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी। तो धन जब मैं बोलूं तो एक चीज सामने निकल के ना आए, उसके अंदर वैरायटी हो जाए, तो समझ लेना कि ये अपना अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए ए मनी का भी आपने सुना होगा, द मनी सुना होगा। अब मैं बोलूं डे, तो डे का डेज होता है, क्योंकि एक दिन, दो दिन, ये गिन सकते हैं हम लोग। अगर इसी जगह में कहो फर्नीचर, सपोज कि जब किसी दुकानदार के पास जाते हो, कहीं भैया जी मुझे फर्नीचर दे दो, तो डायरेक्ट कोई दुकान दिखा देगा आपको इसमें से क्या चाहिए। इतने सारे सामान रखे, कुर्सी भी, टेबल भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी, हर चीज वहां पर फर्नीचर के तौर पर, लकड़ी की भी है, कुछ प्लास्टिक की भी, हर चीज की बनी हुई है। तो फर्नीचर से कोई चीज बाहर निकल के नहीं आई, फर्नीचर के अंदर वैरायटी हो गई। जब कोई शब्द बोले उसके अंदर वैरायटी हो, तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहीं पर अगर मैं शुगर लिख दूं, तो आप कहोगे शुगर के नाम तो शुगर ही सामने आती है, उसमें वैरायटी कहां पे है? देखिए, शुगर के बारे में बात की है, कोई देखो कोई चीज ऐसी जिसके अंदर वैरायटी हो वो अनकाउंटेबल है, और कोई चीज में बोलो उसको डायरेक्ट लोग गिन ना सके और गिन करके ना लें, वो तौल करके या पैकेट में या लीटर में ऐसे कुछ मिलता, तो वो भी अनकाउंटेबल होता है। लिक्विड चीज भी अनकाउंटेबल होती है, और ऐसी कोई भी चीज जो ठोस अवस्था में और उसके शब्द नाम लेने पर उसके अंदर वैरायटी आ जाए अगर, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरी के अंदर ही बहुत सारे दृश्य होते हैं, होमवर्क के अंदर भी बहुत सारे होमवर्क अलग टाइप के होते हैं। इक्विपमेंट का औजार, औजार कौन सा वाला औजार? लगेज का मतलब बोरिया बिस्तर होता है, कौन सी चीज है, इसमें क्या क्या है, वैरायटी है। बैगेज के अंदर बहुत सारे बैग है, कौन कौन से बैग। सीन, दृश्य, इसमें भी प्रॉब्लम है। गार्बेज का मतलब कूड़ा, कूड़े में भी बहुत सारी चीजें हैं। और फीलिंग, लव, मैं तुमसे एक किलो में लव करता हूँ या टू केजी करता हूँ या एक चम्मच भर के करता हूँ। नहीं, फीलिंग का कोई वजन नहीं होता है, फीलिंग की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो जो फीलिंग होती है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए इसके साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। चाहे आप लव बोलो, चाहे हेट बोलो, चाहे टू लव बोलो या लविंग बोलो, कोई वर्ब से आप सेंटेंस बना रहे हो, सेंटेंस अगर आता है टू लव आप बोलो तब भी इज आएगा, और लविंग बोलो तब भी आपका इज ही आएगा। ये बात याद कर लीजिए, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर वर्ब की डिमांड है किसी शब्द के बाद, तो हमें जज करना है कि वो आपका फीलिंग है, तब भी आपका इज ही आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अब बात करते हैं इन शब्दों की। डेज भी होता है, टैक्सीस होता है, लेडीज होता है, माउंटेन्स होता है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टर्स हो जाएगा, और रुपीज हो जाएगा।
बाकी शब्द बाकी के प्लूरल नहीं बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इन शब्दों का, तो क्लियर है जो फीलिंग है या फिर जो वर्ब है वो तो सिंगुलर रहती है, वो तो क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए मुझे फर्नीचर के साथ में वर्ब यूज करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल बनाना है, मुझे फर्नीचर का एक पीस बनाना है, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, मुझे अनकाउंटेबल नहीं चाहिए, तो आप इसके आगे एन आइटम ऑफ का यूज कर दोगे या फिर ए पीस ऑफ का यूज कर सकते हो। ज्यादा चाहिए प्लूरल बनाना अगर, तो आपको यहां पे लगाना होगा आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फिर इसके हिसाब से आइटम्स के हिसाब से यहां पर आएगा आर, यहां पे आइटम कितना है एक, इसलिए यहां पर आएगा इस। अगर आपने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखा हो तो मैंने आपको एट्रीब्यूट और पार्टिटिव एडजंक्ट पढ़ाया था, तो उसमें ने ये बताया था कि ऐसा कोई भी शब्द जिस कोई ऐसी वर्ब है जिसके पहले सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो आप उसे प्रपोजिशन ढूंढो, यहाँ पर जैसे ऑफ है तो ऑफ के पहले जो शब्द है उसके हिसाब से वर्ब आती है, तो यहाँ पे आइटम एक है इसलिए एज आया, यहाँ पे आइटम है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना, बाकी मैं डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। तो फीलिंग अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसको बोलने पर उसके अंदर वैरायटी हो जाए तो वो अनकाउंटेबल है। ऐसी कोई भी चीज जो लीटर में यूनिट में मिलती है, इकाई मिलती है, उसको तोलने के लिए वजन करने के दूसरी चीज का जरूरत पड़ती है तो वो अपना कहलाता है अनकाउंटेबल। इन सभी के साथ में लगती है वर्ब सिंगुलर। अगर मुझे कुछ किसी चीज को प्लूरल बनाना है या काउंटेबल बनाना है तो उसके पहले आइटम ऑफ या पीस ऑफ का यूज करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए आइटम्स ऑफ या फिर पीसेस ऑफ या ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं उनका यूज हम लोग करेंगे। अब आते हैं थोड़े डिटेल पर। ऐसा कोई भी शब्द जो सिंगुलर है अपने पास तो वो दो टाइप के होते हैं, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल अगर नाउन है जिसको नहीं काउंट जिसको काउंट कर सकते हो एक है तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी ऐसा शब्द जो सिंगुलर अनकाउंटेबल है और उसके आगे आइटम्स ऑफ या आइटम ऑफ नहीं लगाओ डायरेक्ट वो शब्द लिखा जैसे फर्नीचर, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ में, हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ये दो टर्म भी एग्जाम में बहुत सारे बुक्स में मिल जाते पढ़ने के लिए। दूसरी बात प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसा कोई भी शब्द जिसको हम गिन सकते हैं उसको वो प्लूरल फॉर्म है, जैसे कि डे का डेज है। और ऐसा कोई भी शब्द जो अनकाउंटेबल जैसे फर्नीचर और उसके आगे मैं आइटम्स ऑफ लगा दूं तो भी बन जाता है प्लूरल। तो प्लूरल जो नाउन है अपने प्लूरल नाउन को बोलते हैं पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, के साथ में वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लाता है और प्लूरल वर्ब अपने साथ में प्लूरल सब्जेक्ट लाती है, सिंगुलर वर्ब लाती है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट लाता है सिंगुलर वर्ब, ऐसे याद कर लीजिए। तो सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफरेंस करना मैंने आज आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये था आज का पढ़ने के लिए टॉपिक है। और पूरा जो नाउन है वो इसी पर बेस्ड है, पूरा जो वर्ब है कुछ ना कुछ ऐसे ही बेस्ड है, वर्ब का यही काम होता है, वर्ब का मेन मकसद ही होता है कि उसका टेंस बता देना है, कौन से टेंस में चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा था या चल रहा होगा, तो ये बताती है। प्लस यही बताती है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अपना कैसा सिंगुलर है कि प्लूरल है। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई है तो कमेंट जरूर करना ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।